तो फाइनली गाइस आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक और नई मूवी का रिव्यू लेकर के, एक बहुत ही ज्यादा मजेदार मूवी का रिव्यू लेकर के आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं और उस मूवी का नाम है गॉडफादर। हाँ, हमारे सुपरस्टार चिरंजीवी और सलमान खान की ये मूवी है जिसमें मेन लीड रोल में हमारे चिरंजीवी और सलमान खान ही है और बाकी के और भी काफी एक्टर एक्ट्रेस, मतलब काफी करेक्टर है इस मूवी में। हाँ, तो अब इसमें असली बात ये है, इसमें मजे वाली बात ये है कि ये एक मलयालम मूवी जो लूसीफर उसका रीमेक है, मतलब कि उसकी कॉपी है। तो आप समझो कि इस मूवी को हमारे बॉलीवुड और टॉलीवुड ने ऐसा मिलकर दोबारा क्यों बनाया है, ऐसा इस मूवी में क्या है जो टॉलीवुड और बॉलीवुड को ये मूवी दोबारा बनानी पड़ी। हाँ, तो गाइस हम आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है कुणाल रावत और आप देख रहे हैं कुणाल रिव्यू। हम आपको बता दें कि ये गॉडफादर मूवी है, जो इस मूवी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2.5 से 3.25 घंटे का। हाँ, तो 2.5 से 3.25 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा इस मूवी का। हाँ, इस मूवी का बजट भी काफी ठीक है। हाँ, अगर आपको हम एक बात और बताएं कि ये मूवी एक पॉलिटिकल ड्रामा पे बेस्ड है। हाँ, इसमें स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल दिखाई जाती है, मतलब पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स दिखाई जाती है, राजनीति। हाँ, तो इसमें एक जेजेपी नाम की एक पार्टी होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसके एक सीएम होते हैं हमारे, उस सीएम की हाल ही में मृत्यु हो जाती है। सीएम की मृत्यु के बाद तो उसी पार्टी के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि इस बार सीएम मैं बनूं। हाँ, तो उसमें उनके जो मेन भूमिका होती है विलेन की, वो होता है उस सीएम का दामाद। हाँ, सीएम की इसमें सिर्फ 2 बेटियां होती है। और हाँ, जो हमारे चिरंजीवी सर है इस फिल्म में, उनका एक ब्रह्मा नाम के करेक्टर का रोल है। हाँ, ब्रह्मा जो कि हमारे सीएम के बहुत ही खास होते हैं। हाँ, ब्रह्मा सीएम के टीआरजी भी होते हैं। टीआरजी मतलब कि सारी पार्टी को वही देखते हैं, सारी पार्टी का कमांड उन्हीं पर रहता है, क्योंकि जो हमारे सीएम है वो बहुत ही ज्यादा अब इनोसेंट रहते हैं हमारे, बहुत ही ज्यादा शरीफ रहते हैं, भ्रष्टाचार नाम का कोई उनमें कोई भी एक पॉइंट नहीं होता। हाँ, तो अब जो उनका दामाद है वो सारे स्टेट को ड्रग्स की लत में एडिक्ट बनाना चाहता है। हाँ, वो विदेश से अपने ड्रग्स कुछ डीलर हैं उनको, हाँ, उस स्टेट में उनको इंपोर्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि किसी तरह से मैं सीएम बन जाऊं। हाँ, तो इसमें काफी ऐसे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, आप भी एक बार देखना। हाँ, तो काफी ऐसे वो है क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इसे 4 से 5 स्टार दिए। सबकी अपनी अपनी राय होती है, मेरी भी अपनी राय, मैं इस मूवी को थोड़ा अच्छा बता रहा हूं क्योंकि मैंने, हाँ, हालांकि मैंने लूसीफर नहीं देखी है, पर जैसा ही मैंने सर्च मारा तो मुझे उसमें पता चला कि लूसीफर मूवी का रिमेक है। हाँ, तो गाइस अब इसमें मेन बात यह है कि आप इस मूवी को देख भी चुके होंगे शायद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस मूवी को बनाने में थोड़ा लेट हो गया। हाँ, तो गाइस अब आप इस मूवी को देखना। और इसमें जो हमारे सलमान खान है उनका बहुत ही छोटा सा रोल है, उनके 2-4 डायलॉग है इसमें बस, उनका ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट मूवी में 10 से 15 मिनट का रोल होगा। हाँ, 10 से 15 मिनट रोल होने के बावजूद वो जिस टाइम भी मूवी में दिखते हैं उसी टाइम वो एक एक्शन में दिखते हैं। हाँ गाइस, इसमें मूवी में सलमान खान ने बहुत ही ज्यादा एक्शन किया है इसमें स्टार्टिंग में ही। और एक जो हमारे चिरंजीवी सर का, वो तो बिल्कुल हर टाइम जब उनकी एंट्री होती है तो वो एक स्लो मोशन में होती है, और स्लो मोशन में होने के बावजूद भी वो बिल्कुल एक्शन से भरी हुई होती है, एंट्री एक्शन से भरी हुई होती है। और उनके एक ऐसा सॉन्ग है जो कि कंप्लीट उसमें एक्शन होते हैं, कंप्लीट लड़ाई झगड़ा और वो सॉन्ग चलता रहता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाई देते हैं हमें। तो गाइस आप इस मूवी को जाकर देखिए। हाँ, तो मेरे इस मूवी के लिए ये रिव्यू थे। तो आपको अगर ये रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।